हमेशा ऐसे ही होता है। आवाज मुझे सुनाई देती है लेकिन डोडो को नहीं। मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ। इस बेसमेंट में कुछ तो है जो ऐसी आवाज आती रहती है। क्या कर रही है पाकी? ट्रस्ट मी डोडो, वो आवाज ना यहीं से आ रही थी, इसी कॉर्नर से। यहाँ से? आर यू श्योर? हाँ। इस दरवाजे के पीछे से? हाँ। मैं चेक करता। बाकी कुछ भी तो नहीं है। तू पता नहीं बोल रही, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सब तो ठीक है? आवाज उधर से आई थी। बाकी मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए। बाकी तुम पहले चलाए थे। चूहे क्यों डरा देते तुमने? पता है पाकी, कितना वक्त हो गया तुम्हें ऐसे हंसते हुए देखकर। I'm really happy. तुम्हारी मुस्कुराहट ना मुझे सुकून देती है। कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। सॉरी, मैं वो सोफे पे सो जाता हूँ। वेट, तुम्हें अब सोफे पर सोकर तुम्हारी पीठ को और तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बेड के एक कॉर्नर में सो सकते हो। आई मीन, आर यू श्योर मैम? हाँ, एक कॉर्नर पर। श्योर मैम? सोच रहा था कि तुझे अनकंफर्टेबल फील ना हो। डोडो, देखो मैं तुम्हें ऐसे पेन में नहीं देख सकती। और अनकंफर्टेबल होने वाली बात क्या है? याद है जब हम साथ में ट्रैवल किया करते थे? ऑलमोस्ट हमेशा मैं थक कर तुम्हारे कंधे पर सर रख कर सो जाती थी। तुम आज भी मेरे लिए वही डोडो, मेरे बेस्ट फ्रेंड। तो अनकंफर्टेबल कैसे होंगी मैं तुम्हारे साथ? इट्स ऑल राइट, मैंने सोचा है इस बारे में। और आज से तुम
बेड के कॉर्नर पर सो सकते हो। ओके। श्योर। ओके। वैसे कितनी फनी बात है ना डोडो, एक चूहे की वजह से मैं रोज रात को मेरे दिमाग में एक थ्रिलर मूवी बना देती थी। एनीवे, गुड नाइट। गुड नाइट। लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से तू यहाँ पे आई है ना, तू मुंह सड़ा के बैठी हुई है। वेल, मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ आए या ना आए, लेकिन एक अच्छा खाना देख के तेरे चेहरे पे स्माइल जरूर आ जाती। वेल, इसी वजह से मैं ये ब्रेकफास्ट बुफे इन बेड सिर्फ तेरे लिए लेके आया हूँ। वेल, ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या ऑर्डर करूँ, इसलिए मैंने सब ऑर्डर कर दिया तेरे लिए। वेल, चांदनी चौक से पराठे आए हैं, मुर्गन के डोसे, पूरे दिल्ली एनसीआर में ना ऐसे डोसे कहीं नहीं मिलते, अमेजिंग टेस्टिंग। वेल, पैनकेक्स साउथ दिल्ली के, डोनट्स, वॉफल्स, वहाँ तेरा फेवरेट प्लम केक, क्रोसॉ के साथ जो तू सुबह ब्रेकफास्ट में खाती है, ये मैं जानता हूँ। क्या खाएगी, क्या खाएगी बता। What? तू ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है कि तुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। एक सेकंड, क्या ला सकते हैं? आइडिया। और ये फ्रूट स्प्रेड स्पेशली तेरे लिए, मैंने अपने हाथों से काटा है। कैन यू बीट दैट? टोटो, ये क्या तुमने दुनिया भर की डिशेस मेरे सामने ला के रख दी? पर इतना सब कुछ मैं थोड़ी ना अकेले खा सकती हूँ। और ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? देख, हनीमून पे तो हम लोग जा नहीं पाए, तो मैंने सोचा दुनिया के कोने कोने से क्यूजींस बेस्ट वंस तुम्हारे लिए बेड पे ला के रखता हूँ। यू नो व्हाट, तुम अब ये खाओ, तुम्हारे स्ट्रॉबेरीज और grapes and some oranges and watermelon. That's your favorite, right? You okay? May I? Police kar rahi hai. Ishan ke theek hone ka intezaar. पुलिस का कहना पहुंच के रहेंगे किडनी रैकेट के तह तक। टोटो, ये सब चीजों पर ध्यान। अब तू ऑफिशियली मेरी हो गई है बाकी, अब तू ईशान की और फिक्र नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। हाथ छोड़ो मेरा डोडो। डोडो क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है, छोड़ो इसे। गुड मॉर्निंग।
बाकी बेटा आप जाकर रेडी हो जाइए, हम ये सारा ब्रेकफास्ट टेबल पर लगवाते हैं, ठीक है? दादी, सुबह से मैंने कितने अरेंजमेंट्स करे थे बाकी खुश करने के लिए, लेकिन उस ईशान की एक न्यूज ने उसका मूड खराब कर दिया। अरे कब तक वो ईशान के बारे में सोचते रहेगी दादी? बेटा, आपको इतनी जोर से उनका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, बस उन्हें थोड़ा वक्त दे दीजिए। कितना वक्त दादी, और कितना वक्त? मुझे लगा ईशान को अभी तक बुला चुकी होगी, मूव ऑन कर चुकी होगी वो, लेकिन नहीं। इनफैक्ट उसने मुझसे कहा था कि बेड के बगल में आके मैं उसके साथ सो सकता हूँ, लेकिन नहीं। फिर ईशान? अगस्त्य, पुराने रिश्तों से मुंह मोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें दिल से निकालना बहुत मुश्किल। बाकी कोशिश कर रही है, आपको उन्हें वक्त देना होगा। ठीक है दादी, ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल उसे ईशान की याद हमेशा के लिए उसके जहन से मिटानी होगी, हमेशा के लिए। मैं आपको कल से बता रही हूं, मैं एक नर्स हूं, मेरा काम सिर्फ पेशेंट का ख्याल रखना है, जिसके लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं बताने के लिए। हाँ पता है मुझे, अगस्त्य सर की तो आदत है भगवान बनने की, लेकिन जो बात मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि भगवान ने एग्जैक्टली वक्त को क्या करने के लिए कहा है, ईशान को लेकर उसका क्या प्लान है और क्या करना चाहता है ईशान के साथ, बताओ बताओ। बाकी बेटा, आज हम आपके साथ शॉपिंग चलना चाहते हैं, चलोगी? दादी, आई एम रियली सॉरी, आप प्लीज बुरा मत मानना, पर मैं आज आपके साथ नहीं आ सकती। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से दोबारा काम करना शुरू करूंगी। वाओ, मैंने बहुत मेहनत से मेरा बिजनेस सेटअप किया था, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। और अब तानिया भी नहीं है तो मुझे सारी चीजों का ख्याल रखना। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, आपकी जिंदगी में इतने बदलाव होने के बावजूद आप इतनी जल्दी फिर से अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हो। लेकिन आप काम कहाँ से करोगी? अब सेक्टर 12 है ना, वहाँ मैंने एक छोटी सी जगह रेंट की है। नहीं नहीं, तू नहीं जाएगी, तू आनी जाएगी। गस्ते पर कल ही बात हुई है, तुमने हाँ कहा था। तू उस ऑफिस में नहीं जाएगी, तेरे कहीं भी बाहर जाना इट्स नॉट सेफ एनीमोर। ट्रस्ट मी, मेरा ऑफिस काफी बड़ा है, मैं तुझे एक स्पेस दे दूंगा, वहां पे तू अपना बिजनेस रन कर सकती है, मेरी नजरों के सामने रहेगी तो मुझे टेंशन नहीं होगी। पर टोटो, मैं ऐसे कैसे तुम्हारे ऑफिस में? बाकी प्लीज, तू एक छोटी सी रिक्वेस्ट नहीं मान सकती? से बोल रहा हूँ, प्लीज। बाकी, इट्स अ वंडरफुल आइडिया, आप दोनों घर में भी एक साथ रहोगे और ऑफिस में भी। वाओ, लकी कपल है ना बाकी। इतना क्या सोच रही है आप, हमने कहा था ना आपको ये सब आपका भी है, अगस्त्य का ऑफिस भी, और अगर आप चाहे तो इवेंट्स मिलने के बाद अगस्त्य को रेंट भी दे सकती हैं आप। वेल दैट्स पॉसिबल एक्चुअली, अब मैं आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करता, सो इफ यू वांट।
चलो तय हो गया, आज से आप और अगस्त्य का ऑफिस एक साथ। हम जानते हैं पाकी कि ये सब आपके लिए बहुत नया है, लेकिन जिस तरह से अगस्त्य आपके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं ना, ऐसे हमें पूरा यकीन है कि वो दुनिया के बेस्ट हस्बैंड भी साबित होंगे। ईशान को छोड़ के ये जो नर्स माया कहाँ गई? जी पता नहीं सर, मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। क्या पता है तुझे हा? किस बात के पैसे मिलते? कहाँ जा सकती है नर्स माया? ये तुम्हारा कॉर्नर है, ये कॉर्नर हमारे ऑफिस का सबसे बेस्ट व्यू है, क्योंकि सामने मैं बैठता हूं। प्लीज। ये तो बिल्कुल मेरे घर जैसा है। मेरे घर जैसा मेरे इसीलिए तो तेरे लिए बनवाया है, ताकि तुझे घर वाली फीलिंग आए एकदम। पर डोडो सुनो, ऐसे बहुत वियर्ड लग रहा है ऐसे तुम्हारे कैबिन में मैं रहूं। अनप्रोफेशनल फीलिंग आती है ना, तुम्हारे बाकी एम्प्लॉयज हैं, उनके बॉस हो तुम, और मैं इस तरह तुम्हारे कैबिन के अंदर रहूं काम करने के लिए, अच्छा नहीं लगता। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारी वाइफ हूँ इसलिए मैं तुम्हारे ओके फाइन, एक काम करते हैं, मैं तेरे लिए एक नया कैबिन बना दूंगा, बट तब तक प्लीज थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा। और वैसे भी तू जानती है यहाँ पे मेरा किसी के साथ भी, किसी भी एम्प्लॉयज के साथ वो बॉस वाला इक्वेशन नहीं है। कोई भी मुझे यहाँ पे सर कह के नहीं बुलाता, सबके सब अगस्त्य अगस्त्य करके बुलाते हैं। यू तो नो इट डोडो, तानिया के बिना फिर से काम शुरू करने में बहुत वियर्ड लग रहा है। तानिया मेरे साथ तब से थी जब से मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। तानिया सडनली कहाँ चली गई हो? अच्छा ठीक है, अब तू अपसेट मत हो, मैं उसके बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छी सी असिस्टेंट ढूंढ के लेके आता हूँ जो तेरी मदद करेगी तेरे इवेंट्स में। नहीं नहीं डोडो, मुझे कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। श्योर? हाँ हाँ ओके। अच्छा एक काम कर, आज प्लीज मेरे साथ घर चल लियो, मुझे नवेली के लिए उसके 18th बर्थडे के लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेना है, उसको सॉरी भी बोलना है। आज नवेली का बर्थडे? यस। फिर घर में कोई सेलिब्रेशन क्यों नहीं? यार पता नहीं, वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ में होती है अपने बर्थडे के में, और ज्यादा बाहर ही होती है। ये सही है, वो बेचारी खुद के बर्थडे की प्लानिंग खुद करेगी क्या? दैट्स नॉट फेयर, बर्थडे उसका है तो सरप्राइज तो हमें उसे देना चाहिए ना। एक्चुअली गुड आइडिया, तुम उसे कोई सरप्राइज पार्टी क्यों नहीं देते हो? गिफ्ट के साथ साथ एक सरप्राइज पार्टी, इट विल बी अ रियली नाइस जेस्चर सॉरी बोलने के लिए। बाकी डू यू थिंक दैट्स अ आइडिया, like a great idea? Of course it's a great idea. हम ना पूरा घर डेकोरेट कर देंगे, कोई अच्छी सी ना थीम सोचते हैं, थीम पार्टी करेंगे, उस हिसाब से कपड़े भी पहनेंगे, और मैं एक अच्छा सा केक अरेंज कर लेती हूँ उसके लिए। नवेली के फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट निकालो और उन्हें इनवाइट करना, और उनसे कहना कि नवेली को बिल्कुल ना बताए बिकॉज इट्स अ सरप्राइज फॉर हर। फूड अरेंज मैं कर लूंगी और फिर म्यूजिक अरेंज कर लूंगी, 18th बर्थडे है ना उसका, लेट्स मेक इट मेमोरेबल फॉर हर। बहुत अच्छी पार्टी होगी, ट्रस्ट मी। साउंड्स लाइक अ प्लान, दैट्स अ ग्रेट थिंग। You know, I'm actually missing this Paki, जो हर प्लान में एक्साइटेड हो जाती थी प्लान बनाने के लिए, यू नो अंदर से एक वो अलग आता था, स्माइल करती थी, खुश रहती थी। I'm actually missing that. Maintain that, अब तू बैठ, मैं दादी को कॉल करता हूँ। कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं, आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी।
के हैप्पी बर्थडे टेढ़ा है, इसे सीधा करिए। और ये ड्रिंक्स, ग्लासेस एक तरफ, बॉटल्स एक तरफ, लाइट उधर नहीं भैया, राइट राइट, हाँ उसी कोने में रहने दीजिए। और इधर मैंने कहा था ना कि ये सारे बलून जैसे लगाने, तो लगवा दीजिए। बेटा आपको इस तरह से नवेली की पार्टी प्लान करते हुए देखकर हमें अपनी पुरानी पाकी याद आ गई। हमेशा इस तरह से खुश रहना। आई लव टू सी यू लाइक दिस। एंड बाय द वे, लवली डेकोरेशंस, बहुत अच्छा डेकोरेट किया है आपने। थैंक यू दादी, ये तो मेरा प्रोफेशनली भी काम है। मैं दूसरों के बर्थडे इवेंट स्पेशल करने के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो नवेली तो अपनी है ना। एक मिनट बेटा, एक्सक्यूज मी। हाँ आया। मिर्ची मिर्ची लाइट्स, दीपक दीपक सुनो, मिर्ची मिर्ची लाइट कहाँ पर है? स्टोर रूम इधर ही है ना? जी मैम। ये तो वही जगह है जहाँ मैं कल आई थी, यहाँ स्टोर रूम कहाँ होगा? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, फिर ऐसी आवाज क्यों आ रही है बार बार? शकल तो देख पाकी। तू यहाँ कर क्या रही है बाय द वे? एक चूहा तेरे लिए कम नहीं था कि जब देखो चूहे देखने के लिए जाती है तू? कुछ भी, मैं डेकोरेशन के लिए लाइट्स ढूंढने आई थी यहाँ पे। पाकी, उसके लिए मैंने सर्वेंट्स रखे हुए हैं ना, तुझे कुछ ढूंढना है तो उनको बोलना। तो यहाँ हुलिया देख अपना। चल 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 उठ आ जा। दरवाजे के पीछे छुपे राज तक मैं तुझे नहीं पहुंचने दूंगा पाकी, कभी नहीं।